जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और इस समय एक बड़ी खबर जो है घाटी विजय कुमार उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और जानकारी साझा की गई है कि सोपोर पुलिस ने जो है किनुसा बांदीपुरा में हाल ही में जो आईडी विस्फोट हुआ था उसकी घटना का खुलासा कर लिया है और उसमें दो हाइब्रिड आतंकी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये दोनों जो आतंकी हैं इनकी पहचान भी बताई गई है, इरशाद गनी शाहिद और केनुसा बांदीपुरा का ही वसीम राजा जो है उसे गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो है यानी कि इन दोनों के पास से दो रिमोट से चलने वाले आईडी डेटोनेटर्स जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है क्योंकि लगातार घाटी में अगर बात की जाए तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो लगातार जितने भी जो आतंकी समूह है वो कोशिश कर रही है कि जो हाइब्रिड आतंकी है छोटी उम्र के लड़के हैं उनको बहकाने का प्रयास किया जा रहा है और फिर उन्हें जो है आतंक के रास्ते पर धकेला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये छोटी उम्र के लड़कों को बहला फुसला कर जो है आतंक के रास्ते पर लाया जा रहा है और ये हाइब्रिड आतंकियों का अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो जाल है वो घाटी के अंदर देखने को मिल रहा है और अब इन दोनों हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्हें सोपोर की अगर बात की जाए तो सोपोर में जो आईडी ब्लास्ट हुआ था उसमें इनका माना जा रहा है कि ये दोनों ही उसमें शामिल थे और कहीं ना कहीं जो अब जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो उसे एक बड़ी सफलता मिल गई है। एडीजीपी कश्मीर जो है विजय कुमार उन्होंने इसकी खुद पुष्टि की है और दोनों आतंकियों से बताया है कि पूछताछ जो है वो की जा रही है। दोनों को जो है बता दें कि उत्तरी कश्मीर के सोपोर से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इनसे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कोई और बड़ा हमला करने की ये साजिश में थे क्योंकि इनके पास से दो रिमोट से चलने वाले आईडी डेटोनेटर्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़े हमले की साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर नाकाम किया है और इन दो आतंकियों से अब पूछताछ की जा रही है और आगे कुछ और लिंक्स जो हैं इनसे मालूम हो सकते हैं और आतंकियों के बारे में या और क्या क्या आगे जो साजिशें हैं जो इनकी तरफ से रचने जा रही थी उसके बारे में भी जो है जानकारी जरूर मिल सकती है। पर यह साफ हो गया है कि सोपोर में जो आईडी ब्लास्ट हुआ था उसका ऊपर से जो है पुलिस ने उसे क्रैक कर लिया है और दोनों जो उसपे शामिल हाइब्रिड आतंकी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है और दोनों ही बता दें कि जो है बांदीपुरा के रहने वाले हैं। इनमें से एक इरशाद गनई है और दूसरा वसीम राजा है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है आज एक बड़ी कामयाबी मिली है और माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है और लिंक्स के जो पर्दाफाश है वो जरूर होने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि इनके साथियों को भी जो है जल्द से जल्द जो है दबोच लिया जाएगा। तो इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहे बाकी अपडेट्स के लिए डार्क न्यूज के साथ।